सेकेंड मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं वो है कंप्लेनिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स। जब आप बच्चे की किसी के भी सामने कंप्लेन करते हैं तो वो सुन के आपके बच्चे को बहुत बुरा लगता है। मतलब जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आया और आप उनके सामने बोल रहे हैं, अरे मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, दिन भर मस्ती करता रहता है, अरे ये तो हमेशा ऐसे ही करता है। हमेशा नेगेटिव वर्ड्स दूसरों के सामने जब आप अपने बच्चों के बारे में बोलते हैं और अगर आपका बच्चा वो चीज़ें सुन रहा है तो आप सोच भी नहीं सकते उन शब्दों का, उन वर्ड्स का आपके बच्चे पे कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, आपका बच्चा कितना हर्टफुल फील करता है उस टाइम पे। और आपके वो वर्ड्स आपके बच्चे को कॉन्फिडेंस, आपके बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स को ही मुझसे प्रॉब्लम है, जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। वही जब उसे रिस्पेक्ट नहीं देते, उससे प्यार नहीं करते, ऐसा उसे लगता है, तो आप खुद सोचिए उसका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे जाएगा। तो पेरेंट्स प्लीज़ इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि कम से कम अपने बच्चों के सामने तो किसी से ये ना कहें कि मेरा बच्चा तो ऐसा है, मैं तो परेशान हूँ इससे। क्योंकि जब आप नेगेटिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं आपके बच्चे के लिए किसी और से कंप्लेन करते हुए, वो भी उसी के सामने, तो वो आपके बच्चे के लिए और उसके फ्यूचर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग है, और इससे आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगा।